देश के अंदर अन्नदाता सड़कों पे, पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश का किसान पिछले लंबे समय से आंदोलित है अपने अपने राज्यों के अंदर, और अभी पिछले 15 दिन से दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे किसान जूझ रहा है, लड़ रहा है। और मैंने इस मामले में जो हमारे एनडीए के चेयरपर्सन अमित शाह जी, उनको पत्र लेके मांग भी करी कि आपने अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा और मैं मेरी बात पर अड़ी हूं। 8 तारीख को जो भारत बंद किसान संगठनों ने किया उसका मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान सहित तमाम देश के नौजवानों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक भारत बंद में पूरा समर्थन करें। राजस्थान में भी प्रत्येक प्रतिष्ठान में व्यापारियों से भी अपील करता हूं, अन्य संगठनों से भी, सामाजिक संगठनों से, कि ये किसानों के हित का मामला है। किसान मजबूत रहा तो देश मजबूत रहेगा और ये आर पार की लड़ाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की अग्नि परीक्षा नहीं ले। कई प्रधानमंत्री जी, आपको ये मामला भारी नहीं पड़ा क्योंकि किसानों ने आपको देश के सर्वोच्च शिखर पर बिठाया। आप बड़ा मन रख के तीनों कृषि बिल वापस लें। 8 तारीख के भारत बंद को मैं समर्थन करता हूं और 12 तारीख को, 10 और 11 को, 8 को मतगणना पंचायत चुनाव की राजस्थान के अंदर, 10 और 11 को चुनाव संपन्न हो जाएंगे प्रधान प्रमुख होंगे, 12 तारीख को कोटपूतली के अंदर मैं खुद उपस्थित रहकर और हजारों की संख्या में किसान और जवान राजस्थान के और देश के कोटपूतली में इकट्ठा होंगे और उसके बाद कोटपूतली से दिल्ली कूच का हम कार्यक्रम तय करेंगे। हम भी देश के अन्नदाता के सड़कों पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारे लिए जो हमारी पार्टियां हमने बनाई है, इनमें किसान और जवान पहले, अगर इन पे तकलीफ पड़ी तो हम सारी चीजें छोड़ के इनके साथ, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हमारे भाई अगर तकलीफ में तो दूसरे भाई आराम से नहीं बैठ सकते। जय हनुमान बेनीवाल ये घोषणा करता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम लोगों से हमने बात भी कर ली, विधायकों से बात कर ली, सबकी सहमति है कि हमें दिल्ली कूच करना है और 12 तारीख को कोटपूतली और जो जयपुर दिल्ली हाईवे, इस पर 12 को हम बड़ी सभा रख के और दिल्ली कूच करेंगे। इसके अंदर मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूं 12 को आप लोग कोटपूतली पहुंचे और किसानों की जीत निश्चित है। थोड़ी हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ है। धीरे धीरे करके तमाम लोग किसानों के साथ, तमाम राजनीतिक दल भी किसानों के साथ आएंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में प्रधानमंत्री जी को लागू करनी, जब धारा 370 हटा सकते हैं तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का दम प्रधानमंत्री जी के अंदर है। ये मैं उनसे मांग करता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से ही देश के किसानों का भला होगा। आज राजस्थान जब भाई रंजीत सिंह जी राजू, उनकी पूरी टीम मेरे से मिली और इनको कहने की आवश्यकता नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं और आगे भी किसान कौम के लिए लड़ते लड़ते अगर हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े पीछे नहीं हटेंगे, आगे रहेंगे और किसानों की जीत इसके अंदर निश्चित है। लगातार हम दिल्ली के संपर्क में भी है, हम उनको कह रहे हैं कि भाई बिल, तीनों बिल वापिस होने चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। देश के किसानों को आह्वान करता हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 1-2 दिन का समय जरूर लग सकता है लेकिन प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखकर किसानों की मांग माननी ही पड़ेगी।